हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे हाई कोर्ट पे, उच्च न्यायालय। हमने पीछे की कुछ क्लासेस में सुप्रीम कोर्ट को डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सभी वीडियोस को देख लिया है तो हाई कोर्ट में आपको कुछ भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सब कुछ लगभग मिलता जुलता है और बहुत सारी चीज़ें आपको वहीं पर समझा दी गई हैं। लेकिन अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के अभी क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप पहले सुप्रीम कोर्ट की क्लासेस देख लें, उसके बाद हाई कोर्ट को आप शुरू करें। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप भारत का जो न्यायपालिका का स्ट्रक्चर है उसे आप ज़रा गौर करें कि जो भारत में न्यायपालिका है वो कैसी है। भारत में न्यायपालिका, सबसे पहले इसे दर्ज करें क्योंकि यहीं से आपको एक बेसिक समझ डेवलप होगी। पीछे भी हमने इसको आपको बताया था कि न्यायपालिका जो भारत में है वो किस प्रकार की है, उसको हिंदी में कहते हैं एकीकृत न्यायपालिका, न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ये क्या होती है, इसमें पूरे देश के लिए एक ही न्यायपालिका होती है। जैसे कि आपको हमने बताया था कि अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका है, वहाँ पर पूरे देश के लिए एक ही न्यायपालिका नहीं है, वहाँ हर प्रदेश की अलग न्यायपालिका है और हर प्रदेश का अलग एक सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन यहाँ पर आपको एकल न्यायपालिका यानी एकीकृत न्यायपालिका को देखने को मिलेगी, जिसमें पूरे देश के लिए सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ टॉप पे एक सुप्रीम कोर्ट, या इसको कहेंगे आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। ये क्या है, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संख्या में एक है और ये भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है, भारत का सबसे बड़ा। ये भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है। ये क्या है, भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय, अंतिम अपीलीय। अपीलीय का मतलब है कि भारत में कहीं भी अगर किसी भी हाई कोर्ट का कोई फैसला होता है तो उसके ख़िलाफ़ अंतिम रूप से अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, तो ये अंतिम अपीली न्यायालय भी है। और ये संघीय न्यायालय भी है, संघीय न्यायालय, यानी कि भारत एक संघ है। भारत को शासन और प्रशासन के दृष्टिकोण से कई प्रदेशों में, यूनियन टेरिटरीज़ में बांटा गया है, तो वो सब मिलकर के भारत संघ बनाते हैं। भारत संघ के मामलों को देखने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट है जिसको संघीय न्यायालय कहते हैं, और ये संघीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। तो यही भारत का सबसे बड़ा अंतिम अपीली और संघीय न्यायालय भी है। जो अमेरिका में व्यवस्था है, तो अमेरिका में जो संघीय न्यायालय है यानी फेडरल कोर्ट है वो अमेरिका में एक है, लेकिन वो अंतिम अपीली न्यायालय हर प्रदेश के लिए नहीं है, हर प्रदेश के अपने अलग अलग अंतिम अपीली न्यायालय हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, एक है, इसको आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसके बाद भारत में उच्च न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय, जिनको आप कहेंगे हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट की संख्या इस समय 25 है, भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। हालांकि संविधान में आर्टिकल 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन आगे एक और आर्टिकल में ये भी व्यवस्था दी गई है कि संसद को एक पावर है कि वो किसी एक हाई कोर्ट को दो या अधिक प्रदेशों का भी कार्य सौंप सकता है। तो इस प्रकार से अगर हाई कोर्ट की संख्या 25 है, प्रदेशों की संख्या ज़्यादा है और यूनियन टेरिटरीज भी हैं, इसका मतलब इन 25 में कुछ ऐसे हाई कोर्ट ज़रूर हैं जिनके पास एक से अधिक राज्यों के मामले देखे जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के भी मामले देखे जाते होंगे, तो उन पे भी हम बात करेंगे। तो ये उच्च न्यायालय जो हैं वो 25 हैं। और ये उच्च न्यायालय क्या होते हैं, ये जो राज्य होता है, राज्य के सबसे बड़े न्यायालय होते हैं, सबसे बड़े न्यायालय हैं, और ये राज्य के हर राज्य में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हालांकि प्रयास है कि हर राज्य का एक उच्च न्यायालय हो, लेकिन कुछ छोटे राज्य हैं उनको दूसरे राज्यों के साथ भी अटैच किया गया है। इसके बाद आपको पता है कि अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, इन पर भी हम एक क्लास करेंगे पूरा, तो हम इसे डिटेल में समझेंगे।
अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय में जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट न्यायालय, ये जिला स्तर पर होते हैं। और इसके बाद इसके नीचे कुछ और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, हम सब डिटेल में क्लास करेंगे इसमें। तो सर्वोच्च न्यायालय को अगर आपने पढ़ लिया है तो न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है, इसकी शक्तियाँ क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने इसमें डिस्कस की हैं। और उन्हीं को थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ में हाई कोर्ट में भी वैसे ही होता है, तो इसको समझना बहुत ईजी होगा। आज की इस क्लास में हम उच्च न्यायालय से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ हम डिस्कस कर लेंगे, केवल इसकी कुछ शक्तियों पर बात हम अलग से करेंगे क्लास में। तो चलिए उच्च न्यायालय पर बात करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि उच्च न्यायालय क्या है, ये राज्य का या प्रदेश का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय की शुरुआत कब हुई थी? उच्च न्यायालय की शुरुआत जो है, जब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद 1858 में जब ब्रिटिश कंपनी को हटा करके और ब्रिटेन ने सीधा शासन भारत में स्थापित कर लिया, उसके बाद हाई कोर्ट बनाने के लिए एक एक्ट वो लेके आए थे 1862 में। 1862 में उच्च न्यायालय अधिनियम लाए थे और उसी के द्वारा भारत में शुरुआत में 1862 में तीन उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो वहाँ से शुरू हुए। तो थोड़ा सा इतिहास पे हम गौर करेंगे। उच्च न्यायालय क्या होते हैं? ये प्रदेश के सबसे बड़े न्यायालय हैं, सबसे बड़े न्यायालय होते हैं। इतिहास की बात करें अगर हम, तो 1862 अंग्रेजों का शासन था, उस समय 1862 में हाई कोर्ट एक्ट लेकर के आए थे और तीन हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। ये पूछा भी जा सकता है आपसे कि सबसे पहले कौन से तीन हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे। तो इसमें देखिए, एक तो कलकत्ता था उस समय, कलकत्ता, एक था बम्बई और एक था मद्रास। आपको पता है तीन प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की जो सबसे ज़्यादा समृद्ध थी उनके कार्यकाल में, तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में तीन उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की थी। आपको पता है इसके पहले जो है रेगुलेटिंग एक्ट के समय कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी स्थापित किया गया था, तो उसको हम पीछे भी डिस्कस किए थे। तो ये तीन हाई कोर्ट पहले बने थे। इसके बाद में 1866 में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई, चौथे नंबर पर स्थापना। और फिर इसके बाद में हर प्रांत में एक हाई कोर्ट की स्थापना करते चले गए। तो शुरुआत कहीं पूछे जा सकते हैं, इलाहाबाद आपसे पूछा जा सकता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में हुई थी, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास ये एक साथ ही 1862 में बनाए गए थे। अब हम बात करें आज़ादी के बाद, तो आज़ादी के बाद में हाई कोर्ट की जो परंपरा थी वो कंटिन्यू रखी गई, यानी हाई कोर्ट रखे गए। और जो संविधान में प्रावधान किया गया था उसमें ये कहा गया कि हर प्रदेश में एक हाई कोर्ट होगा, ऐसा आर्टिकल 214 में कहा गया है। तो आर्टिकल 214 की बात हम सबसे पहले कर लें। आर्टिकल 214 में क्या है कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन इसके साथ ही एक आर्टिकल और आपको पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल 231। 231 संसद की एक शक्ति के विषय में है कि संसद की शक्ति इसमें दी गई है। संसद की क्या शक्ति है कि वो एक हाई कोर्ट को एक से अधिक राज्यों का कार्य दे सकता है, राज्यों का कार्य दे सकता है। अब देखिए, आर्टिकल 214 का पालन तो किया जाएगा, मैक्सिमम राज्यों में हाई कोर्ट हैं, लेकिन संसद की एक पावर भी है कि अगर ऐसा आवश्यक समझे संसद तो एक हाई कोर्ट को वो एक से अधिक राज्यों का भी कार्यभार सौंप सकता है। तो ऐसा संसद ने किया भी है। भारत में हर एक राज्य में उसके निजी हाई कोर्ट नहीं हैं, कुछ राज्यों में हाई कोर्ट स्थापित नहीं किए गए हैं, तो उस राज्य का कार्य जो है किसी दूसरे राज्य के हाई कोर्ट को दिया गया है। तो अभी हम पूरा लिस्टिंग करेंगे तो देखेंगे ऐसे कौन से हैं, वो आपसे बहुत
क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ एक आर्टिकल और भी आपको साथ में पढ़ना चाहिए राजू, इसके हाई कोर्ट को लेकर के, वो है आर्टिकल 241। इसमें भी संसद की एक पावर का जिक्र किया गया है कि संसद जो है वो यूनियन टेरिटरीज यानी जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके लिए, यूनियन टेरिटरीज का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग हाई कोर्ट बना सकती है। देखिए संसद के पास में दोनों पावर्स हैं। आर्टिकल 231 का प्रयोग करते हुए वो किसी यूनियन टेरिटरीज का जो कार्य है वो किसी राज्य के हाई कोर्ट को दे सकता है, लेकिन अगर संसद चाहे तो आर्टिकल 241 का प्रयोग करते हुए वो किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक अलग हाई कोर्ट भी बना सकता है, जैसा कि दिल्ली हाई कोर्ट एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं, जैसे इसका प्रयोग करके संसद ने दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना की थी। दिल्ली वर्तमान में नहीं लेकिन पहले जो है दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना निजी एक हाई कोर्ट है, बाकी जितने केंद्र शासित प्रदेश थे उन सबको किसी न किसी राज्य के साथ अटैच किया गया है। हालांकि वर्तमान में आप जम्मू एंड कश्मीर को आप कह सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है और उसका भी अपना एक अलग हाईकोर्ट है जो लद्दाख का भी काम देखता है। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसके लिए एक अलग हाई कोर्ट है तो सिर्फ एक ही है, वो है दिल्ली। तो जम्मू कश्मीर वाला क्यों आंसर नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर वाला सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए नहीं है, वह दो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हो गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। इसीलिए अगर कहा जाए सिर्फ एक तो उदाहरण दिल्ली ही है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये तीन आर्टिकल मिलके ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे कितने हाई कोर्ट होंगे। 214 में कहता है हर एक प्रदेश में एक हाई कोर्ट होगा, इसके बाद संसद की दो शक्तियाँ हैं। तो वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं, वर्तमान में जो है 25 हाई कोर्ट जो है इंडिया में हैं। तो उसमें आपको सभी पूरी लिस्ट नहीं याद करनी है, क्वेश्चन वहाँ से क्या पूछे जाते हैं उसके हिसाब से हम आपको बहुत ईजी तरीके से कुछ चीज़ें बताएँगे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए आप जिस प्रदेश में हैं उस प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, यानी उसका मुख्यालय कहाँ है, उसकी कोई खंडपीठ है तो वो कहाँ है, उसमें कितने न्यायाधीश हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। हर एक प्रदेश का आपको रट के नहीं बैठना है, कुछ लॉजिकल चीज़ें देखनी हैं। जैसे हमने बताया कि अभी उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, संख्या 25 है। तो यहाँ पर हम उन उच्च न्यायालय की बात कर लेंगे जो दो या दो से अधिक प्रदेशों का या यूनियन टेरिटरीज का कार्य देखते हैं, और बाकी जितने प्रदेश बचेंगे उन सबका एक एक हाईकोर्ट होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा बहुत हम इजी तरीके से समझेंगे। ये हमने बना लिया गुजरात और ये इधर प्रायद्वीपी भारत, और बस इतने से ही हमारा काम चल जाएगा समझाने के लिए। ये जम्मू एंड कश्मीर ऊपर, इतना हमने एक रफ जो है डायग्राम बना लिया है, ऊपर जम्मू एंड कश्मीर पूरा, इतने से ही आप समझ जाएंगे। देखिए टोटल 25 हैं, तो इसमें से हम इस मैप पे आपको वो मार्किंग करके दिखाएंगे जहां पर दो या दो से अधिक। तो सबसे ज़्यादा जो आपको याद रखना है वो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। देखिए ये है आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट। सबसे पहले इसको इसलिए बताया क्योंकि गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है वो चार प्रदेशों का कार्य देखता है, इसीलिए इसको नंबर वन पे हमने आपको बताया। तो गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है वो कौन कौन से चार प्रदेशों का देखता है, तो इसमें चार राज्य हैं और चार राज्य के साथ में जो गुवाहाटी है वो नंबर एक पे है, सबसे ज़्यादा राज्यों का कार्य देखता है गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो चार राज्य कौन कौन से हैं, एक तो असम ही है असम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश वहीं पास में ही अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है आपका जो है नागालैंड और चौथा है मिज़ोरम। ये आपका असम हो गया, यहीं पे असम है, इस तरह से आप देखते हो असम,
और ये अरुणाचल प्रदेश, यहीं पे आपका नागालैंड है और ये आपका मिजोरम है। तो ये जो हैं चार प्रदेश, इनका सबका कार्य कौन सा हाई कोर्ट देखता है, जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट। बाकी जो इधर के छोटे प्रदेश बसते हैं, जैसे मणिपुर बसता है, मेघालय है और सिक्किम है, त्रिपुरा है, तो ये सब इनके अलग हाई कोर्ट हैं। त्रिपुरा का अलग हाई कोर्ट है और त्रिपुरा का जो है वो 24वां हाई कोर्ट है, अभी जल्दी बना था। और उसके बाद जो 25वां है, 25वां जो है अमरावती आंध्र प्रदेश में बना, तो इस तरह 25 हो गए। तो ये हो गया आपका गुवाहाटी। गुवाहाटी के बाद में आपको दूसरे नंबर पे मुंबई हाई कोर्ट आता है, ये आपका महाराष्ट्र में है मुंबई, मुंबई हाई कोर्ट। मुंबई हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट के बाद में सबसे ज़्यादा राज्यों का देखने वाला हाई कोर्ट है मुंबई हाई कोर्ट। तो मुंबई हाई कोर्ट जो है वो दो राज्यों का कार्य देखता है, इसमें दो राज्य हैं और दो राज्य के साथ साथ जो है एक यूनियन टेरिटरीज का भी काम ये देखता है। दो राज्य कौन कौन से हैं, एक तो महाराष्ट्र ही है और दूसरा जो है वो है गोवा, यही महाराष्ट्र से लगा हुआ गोवा जो है यहाँ पे, तो गोवा का काम भी जो है यही देखता है। और एक यूनियन टेरिटरीज, तो यूनियन टेरिटरीज यहाँ महाराष्ट्र के पास में आप देखोगे तो एक यूनियन टेरिटरीज है, जो पहले दो हुआ करती थी, दादरा नागर हवेली और दमन दीव, ये दो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, जिनको मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। तो यहाँ पे ही है दादरा, यहीं पे नागर हवेली और यहीं पे दमन है, और दमन और यहाँ पे आप देखोगे द्वीप के रूप में एक दीव है। तो ये टोटल मिला के एक यूनियन टेरिटरी है, जिसको कहा जाता है दादरा नागर हवेली तथा दमन व दीव, ये सब मिला के एक है। तो ये टोटल कौन देखता है, मुंबई हाई कोर्ट देखता है। तो गुवाहाटी के बाद में दूसरे नंबर पे आता है। इसके बाद में एक और हाई कोर्ट आपको यहाँ पे पंजाब, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट जो है वो भी दो राज्यों का प्लस एक यूनियन टेरिटरीज का काम देखता है। तो इसके साथ कौन है, देखिए पंजाब एवं हरियाणा, इसमें भी दो राज्य हैं प्लस एक यूनियन टेरिटरी है। दो राज्य कौन कौन से हैं, दो राज्य जो हैं पंजाब है, हरियाणा है, और यूनियन टेरिटरी जो है वो है चंडीगढ़, चंडीगढ़। तो इस तरह से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट। इसके बाद जो है जो अन्य हाई कोर्ट हैं जो एक से अधिक जगह का काम देखते हैं, तो उनके साथ राज्य और यूनियन टेरिटरीज का कॉम्बिनेशन है। तो उसमें आप देखोगे आपका वेस्ट बंगाल में है कोलकाता हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट बंगाल का कार्य तो देखता ही है, साथ में एक यूनियन टेरिटरी जो यहाँ पर आपको बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो वेस्ट बंगाल से निकट पड़ते हैं, पोर्ट ब्लेयर में जो है इसकी एक बेंच है, तो ये अंडमान निकोबार का भी काम देखता है। तो ये कोलकाता में क्या दर्ज करेंगे, इसमें एक राज्य और एक यूनियन टेरिटरी। राज्य कौन सा है, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल, और यूनियन टेरिटरीज है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। आप इंडिया के मैप पे देखिएगा, यहाँ पर जो है द्वीप समूह है, तो ये इधर वेस्ट बंगाल से निकट पड़ते हैं। आपको लग सकता है कि तमिलनाडु से भी इसको जोड़ा जा सकता था, लेकिन तमिलनाडु और इसके बीच में काफ़ी दूरी है, इधर से निकट है ये। तो पोर्ट ब्लेयर में जो है इसकी एक बेंच है कोलकाता हाई कोर्ट की। इसके बाद इसी लाइन पे आ जाइए तो आपका तमिलनाडु का जो हाई कोर्ट है चेन्नई हाई कोर्ट, यहाँ पे आपका है चेन्नई हाई कोर्ट। हर एक हाई कोर्ट का नाम प्रदेश के नाम पे नहीं है, आप एक लिस्टिंग करिएगा तो आपको मिलेगा कि कुछ ऐसे भी हाई कोर्ट हैं जिनका नाम
ना तो प्रदेश के नाम पे है और ना हो उस प्रदेश की राजधानी के नाम पे है, बल्कि वो कुछ शहरों के नाम पर हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का ही आप ले लोगे तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, बिहार का राजधानी पे पटना। आपसे ऐसे क्वेश्चन किया जा सकता है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं जिनके नाम शहरों के नाम पर हैं या राजधानियों के नाम पर हैं। तो 6-7 आपको काउंट करिएगा, निकलेंगे और कमेंट करके बताइएगा। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, ये देखिए चेन्नई हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, ये सब क्या है? ये प्रदेश के नाम पे नहीं है, बल्कि या तो राजधानी है या तो वहाँ का कोई बड़ा शहर है। दिल्ली हाई कोर्ट, तो ये चेन्नई हाई कोर्ट जो है ये भी दो जगह का कार्य देखता है। तो इसमें जो है एक राज्य है और एक यूनियन टेरिटरी है। राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। और यूनियन टेरिटरी, यहीं चेन्नई के ऊपर आपको एक छोटा सा यूनियन टेरिटरी मिलता है, पुदुचेरी, पुदुचेरी। तो इसका कार्य देखता है। अब यहीं पे आपको केरल मिलेगा, तो केरल का जो हाई कोर्ट है, केरल हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, केरल, और इसमें भी एक राज्य हो गया और एक यूनियन टेरिटरी हो गया। राज्य केरल है और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह नहीं लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप यहीं पे है, तो केरल से निकट है, तो केरल के साथ इसको जोड़ दिया गया। देखिए कोई लॉजिक है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। पुदुचेरी यहीं पे है तो चेन्नई से जोड़ दिया, लक्षद्वीप को केरल से जोड़ दिया, गोवा और दादरा नगर हवेली को मुंबई से जोड़ दिया, यहाँ पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ एक में जोड़ दिया। कलकत्ता से निकट है पोर्ट ब्लेयर, तो ये अंडमान निकोबार को कलकत्ता से जोड़ दिया गया। इसके बाद आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे आपको जे एंड के हाई कोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में कोई राज्य नहीं है, इसमें दो यूनियन टेरिटरीज हैं, जे एंड के, और दूसरा है आपका लद्दाख, लद्दाख। तो अगर केवल और केवल यूनियन टेरिटरीज़ के लिए हाई कोर्ट की बात करें तो भारत में दो हो गए हैं, एक तो दिल्ली का है जो केवल दिल्ली का काम देखता है, और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर है जो दो यूनियन टेरिटरीज़ का देखता है, कोई राज्य नहीं इसमें। तो ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख, बाकी यूनियन टेरिटरीज़ को किसी न किसी राज्य के हाई कोर्ट के साथ में जोड़ा गया है। तो इतने आपको अलग से याद रखने हैं, बाकी जितने बचेंगे वो सभी अलग अलग हाई कोर्ट हैं, जितने भी प्रदेश बचेंगे। अब यहाँ पे कुछ आपका होमवर्क है, होमवर्क में क्या है, आप पूरे 25 की एक लिस्ट बना लीजिएगा, फैक्ट बेस है लेकिन ये आपको काम आ सकता है, बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिनमें आप सभी 25 हाई कोर्ट के नाम, वो किन राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ का कार्यभार देखते हैं ये बना लीजिएगा, और उनकी बेंच कहाँ कहाँ पे हैं, ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से हाई कोर्ट की बेंच कहाँ कहाँ पे हैं, तो इसको आप बना लीजिएगा। चलिए अब हाई कोर्ट का गठन देखते हैं और न्यायाधीश की योग्यताएँ क्या होती हैं और उनकी नियुक्ति कैसे होती है, शपथ कैसे लेते हैं, हटाया कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट को अगर आपने पढ़ा है तो न्यायाधीशों की नियुक्ति वगैरह से संबंधित कोलिजियम सिस्टम जो है वो आप बखूबी समझ चुके होंगे, और वहीं पे हमने आपको थोड़ा बहुत हाई कोर्ट के संदर्भ में भी बता दिया था। जो अंतर है थोड़ा सा वो यहाँ पे आप समझ जाएंगे, बहुत माइनूट सा अंतर है, ज़्यादा नहीं। देखिए उच्च न्यायालय का सबसे पहले हम देखते हैं गठन, यानी आर्टिकल 216। गठन का मतलब होता है किन चीज़ों से मिल करके उच्च न्यायालय कितने न्यायाधीश वगैरह होंगे। तो देखिए आर्टिकल 216 में गठन की बात की गई है कि जो हाई कोर्ट होंगे उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश होंगे, अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे। तो मुख्य न्यायाधीश की संख्या तो एक डिसाइड है संविधान में, लेकिन अन्य न्यायाधीश की संख्या कितनी होगी यह संविधान में डिसाइड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के लिए हमने आपको बताया था, देखिए सुप्रीम कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ भी एक चीफ जस्टिस होता है, और इस समय 33 अन्य जस्टिस जो होते हैं वो डिसाइड है, यानी टोटल 34 वहाँ पे संविधान में डिसाइड है। लेकिन हाईकोर्ट के मामले में एक मुख्य न्यायाधीश
और अन्य न्यायाधीश की संख्या जो है नहीं बताई गई है। तो अन्य न्यायाधीश की संख्या कितनी होगी ये कौन डिसाइड करेगा? संख्या राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं, राष्ट्रपति तय करते हैं, समय समय पर आवश्यकता अनुसार तय करते हैं। जैसे उदाहरण लीजिए, अगर एग्जाम्पल लीजिए यूपी का, तो यूपी में एक चीफ जस्टिस हो गया, एक सीजे हो गए और 161 यानी टोटल मिला के 160 न्यायाधीश हैं यूपी में, टोटल हैं 160 न्यायाधीश। और 160 न्यायाधीश के साथ में ये भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है जिसमें इतने ज़्यादा न्यायाधीश हैं यूपी में। इसी तरह हर प्रदेश में अपने अपने प्रदेश की संख्या को आप देख लीजिएगा। तो अन्य न्यायाधीश की संख्या कौन तय करता है? राष्ट्रपति तय करते हैं। ये आर्टिकल 216 की बात हो गई। अब इनकी योग्यताएं क्या हैं, कौन बनेगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश? जब हमने आपको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता बताई थी तो उसमें आपने देखा था कि भारत के नागरिक होने के साथ साथ उसमें तीन ऑप्शन थे न्यायाधीश बनने के लिए। यहाँ पर देखिए क्या है योग्यताएं, योग्यताएं कौन बनेगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश? न्यायाधीश की योग्यताएं हाई कोर्ट के लिए, तो एक तो वही है जो सुप्रीम कोर्ट में है, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, वो रजिस्ट्रेशन से है या किस तरीके से है इससे मतलब नहीं है, बाय बर्थ है कुछ भी, लेकिन वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक चीज़ और होनी चाहिए, वो है कि 10 वर्ष भारत राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद पे रहा हो, यानी न्याय से संबंधित कार्य करता रहा हो न्यायिक पद पर, या इसमें एक अथवा भी है, 10 वर्ष हाई कोर्ट 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो हाई कोर्ट में। तो बस यही दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए उसे, दूसरा उसे 10 वर्ष का न्यायिक पद पर होने का अनुभव हो, या फिर वो 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो हाई कोर्ट में, एक हाई कोर्ट में रहा हो या एक से अधिक हाई कोर्ट में मिला के रहा हो कंटिन्यू 10 वर्ष। तो यही दो योग्यताएं बस उसे चाहिए और वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। अब यहाँ पे एक अंतर है, उसे आप समझें कि एक नोट करके लिख लें कि राष्ट्रपति की नज़र में जो है प्रख्यात विधिवेत्ता होना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता है, योग्यता मानी जाती है, लेकिन हाई कोर्ट में नहीं। ये ज़रूर याद रखिएगा, जब आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक और योग्यता का वर्णन यहाँ पे किया गया था, तीसरा, कि अगर वो व्यक्ति राष्ट्रपति की नज़र में प्रख्यात विधिवेत्ता है यानी विधि का जानकार है तो वह भी जो है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। लेकिन राष्ट्रपति की नज़र में जो व्यक्ति प्रख्यात विधिवेत्ता है वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश नहीं बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का बन सकता है। तो ये कथन में क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होना तो दोनों जगह ठीक है, भारत का नागरिक है ठीक है, और वह राष्ट्रपति की नज़र में प्रख्यात विधिवेत्ता है तो क्या वह हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है? नहीं बन सकता है। क्या वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है? बन सकता है। तो इतना आप याद रखेंगे योग्यताएं। अब नियुक्ति कौन करता है और कैसे होती है नियुक्ति, इसको भी ज़रा समझ लें। तो हाई कोर्ट में भी कॉलेजियम सिस्टम है, जो सुप्रीम कोर्ट में है वही हाई कोर्ट में है, बस थोड़े से परिवर्तन के साथ में है कॉलेजियम में, बस उतना आपको याद रखना है, बाकी सब सेम है और सब कुछ हमने आपको समझाया है। न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी, न्यायाधीशों की नियुक्ति,
यहाँ भी कॉलेजियम प्रणाली है, देखिए जो वहाँ पर है वही यहाँ पर है कॉलेजियम प्रणाली। लेकिन कॉलेजियम प्रणाली में थोड़ा सा एक चीज़ में अंतर है, वो बस देख लेंगे। देखिए कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, सबसे पहले आप ये जानें नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। सलाह देने वाले लोग, ये निर्भर करेगा कौन कौन कॉलेजियम में है, कौन सलाह देगा राष्ट्रपति को नियुक्ति के लिए। तो दो प्रकार के न्यायाधीश हैं, देखिए एक तो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, अभी बताएंगे किसकी सलाह पे करते हैं। और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसकी सलाह पे करेंगे, इसको भी हम देखेंगे। दोनों में अलग अलग सलाह देने वाले लोगों के बात करेंगे हम। तो जो मुख्य न्यायाधीश है, यानी हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, वो किसकी सलाह पे नियुक्त किया जाएगा, करेंगे तो राष्ट्रपति ही। कौन सलाह देगा, तो इसमें जो है राज्यपाल जिस प्रदेश के हाई कोर्ट के लिए नियुक्ति की जा रही है उसका राज्यपाल प्लस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ये सलाह देंगे राष्ट्रपति को कि किसको हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। अब यही कॉलेजियम हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए। कॉलेजियम प्रणाली में हमने आपको बताया था कि एकल निर्णय नहीं माना जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जब सलाह देंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट में आपने पढ़ा था कि वो चार वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह ले करके तब राष्ट्रपति को सलाह देंगे, तो वो चीज़ यहाँ पर भी लागू है। बस थोड़ा सा एक छूट दे दी गई है कि चार के बजाय दो से ही मशविरा कर सकते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये जो है यहाँ पे लिख लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के CJ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनको बोला जाता है CJI, सुप्रीम कोर्ट के दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश से सलाह करेंगे। यानी कि राज्यपाल तो रहेंगे ही, साथ में यहाँ पर देखिए तीन लोगों की ये टीम है जिसमें CJI है और दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के ही। तो ये टोटल कॉलेजियम बना, ये सलाह देंगे कि किसको जो है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। अब जो अन्य न्यायाधीश हैं, यानी हाई कोर्ट में दूसरे अन्य न्यायाधीश कौन होंगे, तो इसके लिए इसमें भी कौन सलाह देगा, ये देंगे सलाह, यानी कि सलाह, ये सलाह देने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी राज्यपाल रहेंगे, राज्यपाल प्लस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस अब यहाँ पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी आ गए। तो देखिए यहाँ पे राज्यपाल तो रहेंगे ही, सुप्रीम कोर्ट के जज यहाँ भी थे, यहाँ भी हैं, और हाई कोर्ट के जज भी यहाँ भी आ गए। और सुप्रीम कोर्ट के जज पे यही बात यहाँ भी लागू है जो ऊपर लागू थी कि दो अन्य लोगों से, अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह करके तभी। तो राज्यपाल किस प्रदेश का होगा, जिस प्रदेश में उच्च न्यायालय में नियुक्ति हो रही है। अगर वो उच्च न्यायालय दो से अधिक राज्यों का, एक या एक से अधिक राज्यों का देख रहा है, तो उन सभी राज्यपालों से मशविरा किया जाएगा। और अगर वो एक है तो एक ही से, जैसे हमने अभी आपको गुवाहाटी बताया, तो गुवाहाटी चार राज्यपाल हो जाएंगे वहाँ पे, तो सबसे मशविरा किया जाएगा। जहाँ पे दो हैं वहाँ दो से किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपने पूरे सिस्टम से करके तभी सलाह देंगे। तो ये सलाह हो गई सलाह पर। तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, किस तरह से करते हैं, कॉलेजियम सिस्टम यहाँ पर क्या है वो हमने आपको बता दिया है। एक अंतर है बस, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दो ही जो है मुख्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के मामले में चार जरूरी थे। हालांकि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का जब ट्रांसफ़र किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में तो ट्रांसफ़र होता नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही है, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है एक राज्य से दूसरे राज्य में। हालांकि
इसकी निंदा की जाती है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए बार बार न्यायाधीशों का ट्रांसफ़र, लेकिन किया जाता है आवश्यकता पड़ने पर। तो जब कभी ट्रांसफ़र किया जाएगा तब यहाँ पर दो के बजाय चार संख्या हो जाएगी। ट्रांसफ़र करने में भी सलाह ली जाती है, अभी हम आपको लिखवा देंगे, तब यहाँ पे दो अन्य न्यायाधीश की जगह फिर से चार अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश आ जाएंगे। तो ये नियुक्ति हो गई। अब अगर नियुक्तियाँ पढ़ रहे हैं तो आपको शपथ भी पूछी जा सकती है। तो शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, राज्यपाल या नामित व्यक्ति, जिसको नामित करें, नामित व्यक्ति ये जो है दिलाते हैं शपथ। अब एक चीज़ आती है कि जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल कितना है, यानी वो कब तक रहेंगे अपने पद पे, इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, या उनको कैसे हटाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। तो यहाँ पर जो है कार्यकाल की बात कर ली जाए, तो देखिए कार्यकाल का कोई जिक्र नहीं किया गया है, ना तो आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए, ना तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए, यानी 5 साल 6 साल 10 साल ऐसा करके कोई वर्ष में कार्यकाल नहीं दिया गया है। उम्र की बात की गई है, वहाँ पर आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा था कि कहा गया था कि 65 वर्ष तक की आयु तक, यानी कि भले ही वो एक ही साल पहले नियुक्त हुए थे और अगले साल वो 65 साल के हो गए तो वो रिटायर हो जाएंगे, और भले वो 10 साल से कर रहे हो तब भी 65 पे आके रिटायर हो जाएंगे। यानी समय का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, अधिकतम आयु की बात की गई है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो 62 वर्ष, यहाँ पर 62 वर्ष आयु तक पद पर रहते हैं, पद पर रहेंगे। और ये जो आयु है, देखिए न्यूनतम आयु का कहीं भी जिक्र नहीं है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात हो चाहे हाई कोर्ट की बात हो, तो अगर न्यूनतम की बात आ जाए, न्यूनतम आयु कितनी होती है, जैसे कि आप देखते हो कि तमाम पदों के लिए न्यूनतम आयु का भी जिक्र किया गया है, हर एक चीज़ के लिए होता है, चाहे आप IAS PCS बनने जा रहे हैं, यहाँ पर भी आपको एग्ज़ाम देने के लिए एक न्यूनतम आयु बताई गई है, या आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं, राज्यसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं, हर जगह एक न्यूनतम आयु भी डिसाइडेड है, 30 वर्ष 25 वर्ष इस तरह से। तो यहाँ पर न्यायाधीश बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रिक्यू तो कोई नहीं, न्यूनतम आयु का जिक्र नहीं है संविधान में। हाँ, कितने आयु तक, यानी अधिकतम कितनी आयु तक पद पर रहेंगे उसका जिक्र किया गया है, और ये आयु भी राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं समय समय पर कि ये अधिकतम आयु कितनी रखी जाए। तो कार्यकाल ये 62 वर्ष आयु तक। इसके अलावा जो है पद रिक्ति कैसे हो सकती है, पद रिक्त या हटाया जाना, ये देख लें। तो देखिए पद रिक्ति तो हो सकती है, जैसे कि हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश है, जज है, वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन जाए जा करके, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकता है वो, तो पद रिक्त हो सकता है, या वह इस्तीफा दे सकता है, इस्तीफा किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, तो इस तरह से पद रिक्त हो सकता है। तो पद रिक्त कैसे हो सकता है, देखिए इस्तीफा देने से हो सकता है, इस्तीफा किसको देंगे, राष्ट्रपति को, रिजिग्नेशन दे सकते हैं, इस्तीफा वापस भी ले सकते हैं, अगर उसमें डेट डाली हुई कि मैं 5 तारीख से इस्तीफा दे रहा हूं, तो अगर आज 4 तारीख ही है, शाम तक मूड बदल गया, तो वापस भी इस्तीफा ले सकते हैं। तो राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं। और पद रिक्ति कैसे हो सकती है, जैसे कि पद रिक्ति हो सकती है कि यदि वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन जाएं जा करके, न्यायाधीश बन जाएं, और बाकी आकस्मिक कारण हो सकते हैं। तो इन सब कंडीशंस में क्या हो सकता है, पद रिक्त हो सकता है। हटाया जाना कैसे हो सकता है, इस पे बात करें। तो हटाने के लिए देखिए आपको इसमें पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन ये सब कुछ हम सुप्रीम कोर्ट में आपको पढ़ा चुके हैं। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को दो आधार पर हटा सकते हैं। कौन से दो आधार हैं, एक तो है सिद्ध कदाचार, देखिए प्रूव्ड मिसबिहेवियर, सिद्ध कदाचार, और दूसरा है असमर्थता, अक्षमता, इनकैपेबिलिटी। तो यही दो आधार आपने सुप्रीम कोर्ट में देखे थे, और सेम वही प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के
न्यायाधीश को हटाने के समान है। बिल्कुल उसी तरीके से संसद में, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो है महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए, बिल्कुल उसी प्रकार से इन्हीं दो आधारों पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया संसद में चलाई जाएगी संसद में, और उसी तरीके से विशेष बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। तो प्रक्रिया बिल्कुल सेम है और पीछे हमने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, उसी को आपको कॉपी कर लेना है। अब देखिए, वेतन भत्ते स्थानांतरण और प्रतिबंध वगैरह पे बात कर लें और फिर हम और भी प्रकार के जो न्यायाधीश होते हैं उन पे भी इसी में बात कर लेंगे, इसी क्लास में पूरा कंप्लीट कर देंगे इसे। देखिए, हमने आपको बताया कि एक मुख्य न्यायाधीश हो गया और अन्य न्यायाधीश हो गए। अन्य न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है, राष्ट्रपति तय करते हैं। होते हैं देखिए अतिरिक्त न्यायाधीश, एक तो होते हैं कार्यकारी, देखिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, जैसा कि एक मुख्य न्यायाधीश होता है, अगर किसी कारण से मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से कार्य करने में उपस्थित नहीं है तो उसकी जगह कार्यकारी यानी कार्यवाहक आप कह सकते हो, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश की जगह आएगा ये, तो ये क्या होंगे कि मुख्य न्यायाधीश की अस्थाई अनुपस्थिति पर राष्ट्रपति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों में से किसी को क्या बना सकते हैं, कार्यकारी चीफ जस्टिस बना सकते हैं, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। तो ये हो गए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। एक और कैटेगरी आएगी, उसको कहेंगे अतिरिक्त या अपर न्यायाधीश बोलते हैं, अपर न्यायाधीश। और एक और होते हैं तथा कार्यकारी न्यायाधीश। देखिए ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हैं, ये हैं कार्यकारी न्यायाधीश। कार्यकारी न्यायाधीश हाईकोर्ट में ही होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये अपर न्यायाधीश का प्रावधान नहीं है। अपर न्यायाधीश इनको अतिरिक्त भी आप कह सकते हो, अतिरिक्त की जरूरत कब पड़ती है, जैसे कार्य बढ़ गया हो यानी कि अस्थायी रूप से हाईकोर्ट में काफ़ी कामकाज बढ़ गया है तो अतिरिक्त न्यायाधीश की जरूरत पड़ सकती है, या फिर कार्य पेंडिंग है, कार्य बकाया है बहुत सा, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त न्यायाधीश की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में जो है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ये 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है इनको, 2 वर्ष के लिए, ये भी याद रखिएगा 2 वर्ष के लिए। और इस तरह का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, यानी कि ये जो अपर न्यायाधीश यानी अतिरिक्त न्यायाधीश का जो प्रावधान है वो हाई कोर्ट के लिए है, सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं है। कार्यकारी न्यायाधीश क्या होते हैं, जैसे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होता है वैसे ही न्यायाधीश की जगह पर अगर उसका पद किसी कारण से रिक्त हो गया है, अस्वस्थ है या अस्थायी रूप से, या फिर कोई न्यायाधीश यहाँ कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बन गया जा करके, हाईकोर्ट का न्यायाधीश ही तो बनता है मुख्य न्यायाधीश जा करके कार्यकारी, तो उसका पद रिक्त हो सकता है और काम ज़्यादा है तो उसके पद पे कार्यकारी न्यायाधीश लाया जा सकता है, और ये भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। ये भी जो है अस्थायी पद रिक्त होने पर एक कार्यकारी न्यायाधीश राष्ट्रपति ला सकते हैं। इसके साथ साथ जो हैं एक और तरीके से न्यायाधीश होते हैं, ये 2 तो कैटेगरी हो गई, एक और ये सब न्यायाधीश के रूप में माने जाते हैं, ये सभी हाईकोर्ट के न्यायाधीश ही माने जाते हैं,
अलग अलग कैडर के। तो अब एक और कैटेगरी है सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो आपने हाई सुप्रीम कोर्ट में भी देखा था और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि सेवा जो निवृत्त जो रिटायर हो चुके हैं न्यायाधीश, उनको भी काम पे रखा जा सकता है, तो उनको सेवानिवृत्त न्यायाधीश की श्रेणी में रखते हैं। तो ये जो है कार्य आवश्यकता है, जैसे कि आपने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा था वैसे यहाँ हाई कोर्ट में भी है कि अगर कामकाज ज़्यादा है, न्यायाधीशों की ज़रूरत है, तो जो सेवानिवृत्त हो चुके न्यायाधीश उनको भी जो है रखा जा सकता है। तो बाकी जितना आप देख रहे हैं उसमें सब में राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं इनको जो है मुख्य न्यायाधीश जो होता है हाईकोर्ट का, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से नियुक्त कर सकता है, नियुक्त करता है। और एक प्रकार से रिक्वेस्ट होती है, यानी कि जो सेवानिवृत्त हो उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप काम करें, तो यदि वो चाहता है करना तो कर सकता है। इनको जो है ये जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश आ जाते हैं तो इनके जो शक्तियां हैं, पावर्स हैं, शक्तियां हैं और जो सुविधाएं हैं और जो विशेषाधिकार हैं जो न्यायाधीशों को प्राप्त होते हैं, अधिकार समान रूप से मिलते हैं, जैसे अन्य न्यायाधीश को वैसे ही इनको भी उतने ही पावर होते हैं, वैसा ही इनको भी सब कुछ मिलता है। लेकिन इनके जो भत्ते और वेतन हैं, भत्ते राष्ट्रपति तय करते हैं, राष्ट्रपति तय करते हैं इनको जो है कितना भत्ता मिलेगा वो राष्ट्रपति तय करते हैं। और एक चीज़ और है कि इनको न्यायाधीश की श्रेणी में नहीं गिनाया जाता है, यानी कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश नहीं होते हैं, ये नहीं होते हैं। यदि इनको कार्य के लिए रखा जाता है लेकिन इनको सभी वही शक्तियाँ मिलती हैं, वही सुविधाएँ मिलती हैं, लेकिन इनको न्यायाधीश की गिनती में नहीं गिना जाएगा, न्यायाधीश नहीं माना जाता। जैसे कि यूपी में अगर 160 न्यायाधीश हैं तो उनमें ये वाले नहीं गिने गए हैं, 160 जो फ्रेश हैं, जो पहले हमने आपको बताया 3, वो गिने जाते हैं। लेकिन कार्य ये भी वही करते हैं और सब कुछ इनको भी वैसे ही पावर्स मिलती हैं, वही सुविधाएं, वही विशेषाधिकार सब कुछ प्राप्त होता है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट में भी आपने देखा था और हाई कोर्ट में भी वही चीज़ आप देख रहे हैं। अब इसके बाद हम देख रहे थे वेतन और भत्ते। देखिए वेतन और भत्ते हमने आपको जब पढ़ाया था सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वहाँ भी बताया था कि जो न्यायाधीश होते हैं चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे वो हाई कोर्ट हों, उनको संचित निधि से वेतन दिया जाता है। हालांकि वित्तीय आपातकाल के समय को छोड़ दें तो इनका कभी वेतन जो है वो कम नहीं किया जा सकता है और ना ही सेवा काल के दौरान जो है वेतन में नकारात्मक परिवर्तन किया जा सकता है। तो जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं इनके वेतन एवं भत्ते थोड़ा सा अंतर है, बस आप वो देख लें कि इनको जो वेतन दिया जाता है ये दिया जाता है राज्य की संचित निधि से। बहुत गौर से आप देखिएगा, यहाँ पे राज्य पे ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं उनको वेतन मिलता है भारत की संचित निधि से और यहाँ पे इनको वेतन मिलता है राज्य की संचित निधि से, यानी संचित निधि से दोनों जगह मिल रहा है। लेकिन जो पेंशन है, वेतन भत्ते तो यहाँ से मिल रहे हैं, जो पेंशन है, पेंशन के मामले में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि जो हाई कोर्ट के भी न्यायाधीश जब रिटायर होते हैं तो इनको पेंशन मिलती है भारत की संचित निधि से। बस इतनी चीज़ आपको गौर करनी है, यहाँ भारत शब्द पे गौर करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग बन सकता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन कहाँ से मिलता है, तो आपको पता है, तो पेंशन में आप कन्फ्यूज ना होइएगा, पेंशन भारत की संचित निधि से मिलती है, बाकी सब राज्य से। तो इतना ही अंतर है, बाकी सुप्रीम कोर्ट के समान इनके लिए भी जो है सेवा काल के समय सेवा, संसद इनको भी निर्धारित कर सकती, सेवा काल के समय नकारात्मक परिवर्तन नहीं करा सकते, इसमें नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं हो सकते, यानी बढ़ा तो सकते हो लेकिन कम नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ है। और एक चीज़ और है कि जब वित्तीय आपातकाल होगा,
वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल यानी आर्टिकल कौन सा लागू होगा, 360 लागू होगा, तो उसमें जो है वेतन भत्ते कम किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के आदेश से, वेतन भत्ते कम कर सकते हैं। ये बात भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि वेतन भत्ते कम नहीं किए जा सकते हैं, तो ऐसे में कहीं आप गलती न कर जाएं कि आपातकाल में जब वित्तीय आपातकाल चल रहा होगा क्या तब कम किए जा सकते हैं, तब कम किए जा सकते हैं सुख। तो ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब एक और चीज़ लिख लीजिए, स्थानांतरण ट्रांसफ़र। हाईकोर्ट के जज जो हैं एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में स्थानांतरित किए जा सकते हैं, और यह स्थानांतरण भी राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर करते हैं। तो स्थानांतरण कौन कर सकता है, राष्ट्रपति, किसकी सलाह पर, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, सलाह पर। और यहाँ पे CJI जो हैं, CJI अन्य चार वरिष्ठ न्यायाधीश से सलाह लेंगे, वरिष्ठ न्यायाधीश से मशविरा करेंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए फिर संख्या चार आ गई। नियुक्ति में जो CJI सलाह करते हैं वो दो से ही कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र के समय फिर उनको चार वरिष्ठ न्यायाधीशों से, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह लेनी पड़ेगी, तब वो राष्ट्रपति को सलाह देंगे। और स्थानांतरण करते समय जो है जिस हाईकोर्ट से स्थानांतरित किया जा रहा है उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और जहाँ पे स्थानांतरित किया जा रहा है उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह ली जाती है। तो यहाँ पर दो, इसके साथ साथ दो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श भी होता है। ये दो हाईकोर्ट कौन से हैं, एक जहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है और दूसरा जहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जैसे यूपी से बिहार में किया जा रहा है तो यूपी और बिहार दोनों जगह के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इसका परामर्श लिया जाएगा। तो ये स्थानांतरण होता है। प्रतिबंध क्या है, वकालत पे, वकालत पे प्रतिबंध उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं स्थायी रह चुके हैं वो सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय को छोड़ करके बाकी कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं, तो ये प्रतिबंध भी आप नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह से उच्च न्यायालय के संदर्भ में नियुक्तियाँ, योग्यताएँ, वेतन भत्ते, स्थानांतरण और कहाँ कहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है, इसको हमने समझा है। कुछ टॉपिक पे और बात करेंगे। उच्च न्यायालय में सिर्फ एक क्लास में हम देखेंगे कि उच्च न्यायालय की शक्तियाँ क्या हैं। लगभग शक्तियाँ वैसे ही फॉर्मेट में हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की थी, सिर्फ आपको उनके क्षेत्र समझने हैं और कुछ सुप्रीम कोर्ट से अंतर हैं। एक क्लास हम करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या अंतर है पूरा ओवरऑल, क्योंकि तुलनात्मक प्रश्न ज़्यादा पूछा जा सकता है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।